बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डबल कली का डोरमेट। इसे मैंने पुरानी चुन्नियों से बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आइए हम इसे बनाना सीखते हैं। हम ये डोरमेट बनाने जा रहे हैं। इस ये मैंने 3 कलर से बनाया है। इसमें हमने 20 फंदे डाले हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 लाइन निकाल ली हैं। अब आगे बनाएंगे। एक फंदा उतार लिया है। अब इसे हमें सादा बनाना है ऐसे। लास्ट में 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से हम ये घुमा लिया है धागा। ऐसे ही हमें 2 अगली सिलाई में 2 यहाँ से फिर से छोड़ने हैं। 2-2 करके हमें छोड़ने हैं उल्टी साइड से। कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे 2 फंदे और बचे हैं, वो हमें बुनने हैं। बाकी के हमने 2-2 करके छोड़ दिए हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर लगाएंगे उसके बाद यहाँ से हमें फिर 2-2 फंदे छोड़ने हैं। से दूसरा कलर लगा लिया है और ये वाली दूसरी कली बनाई है और ये हम दूसरी डिजाइन बनाएंगे इसमें। ये हमें अभी 2 लाइन सादा बनानी है इसमें, उसके बाद फंदे छोड़ने हैं, अभी नहीं छोड़ने एक भी। फंदे छोड़ दिए। यहाँ से हमें हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़ने हैं। 2 हमने यहाँ पे छोड़ दिए, अगली बार में 2 और छोड़ने हैं। ऐसे 2-2 करके हमें छोड़ने हैं। हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। इसमें हमें पहले मैंने यहाँ पे बना ली ऐसे, उसके बाद अब यहाँ पे कलर लगाया, उसके बाद जब हम यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद फिर बताएंगे आगे। देखिए, हम यहाँ पे 2-2 फंदे छोड़ेंगे, जब दूसरा कलर लगाएंगे तब इसके 2 फंदे छोड़ेंगे। ऐसे ही हमें 2-2 फंदे करके छोड़ने हैं, उसके बाद आगे हम बताएंगे फिर। और देखिए, हमने यहाँ तक एक कली बना ली है। अब यहाँ से हम दूसरी कली बनाएंगे इसी में। पहले हमने यहाँ से छोड़े थे, अब हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे ये कली। जैसे 2 फंदे हम बना लेंगे, उसके बाद फिर धागा पलट के फिर इनको दोबारा बनाएंगे। अब उसके बाद दूसरे कलर से बनाएंगे इसे। इसमें बीच में जाली सी आ रही है तो इसे हम यहाँ से दूसरा फंदा उठा के और इसमें 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से फिर घुमा लेंगे हम ऐसे ही। हमें ये पूरी कली यहाँ तक बनानी है। ये हमने पूरा बना के इसे कंप्लीट कर लिया है।